सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सदस्य कमल सोई ने पंजाब के मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में पंजाब के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को लेकर गहरी चिंता जताई है और उनसे इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील की है। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार सम्मेलन में डॉक्टर सोई ने कहा है कि उन्होंने यह पत्र 13 अक्टूबर 2023 को लिखा, जिसे पंजाब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने उसी दिन सचिव परिवहन पंजाब को उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया, परंतु परिवहन विभाग द्वारा आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। डॉक्टर सोई ने कहा है कि पंजाब राज्य की मौजूदा आप सरकार लोगों की जान बचाने के लिए उतनी गंभीर नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार मैसेज स्मार्ट चिप से मिली हुई है, जो पंजाब में सन 2016 में स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक ADTT चला रही है। आप किसी चीज में भी फेल हो सकते हो, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में फेल नहीं हो सकते आप, क्योंकि पंजाब की जो ड्राइविंग लाइसेंस की ड्राइविंग टेस्ट की पास परसेंटेज है वो 99% के आसपास है, क्योंकि पंजाब ने आज लोगों से सीखा नहीं है। खुद की सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है, वहाँ पास परसेंटेज 55 से 60% है, लेकिन पंजाब में ये 98-99% है। पंजाब में ऑब्सलीट और पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और किसी को भी अगर वो अंधा है, लूला है, आई माइंड माई सेइंग दिस, उसको भी लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। पंजाब इस समय तीसरे नंबर पे है हिंदुस्तान में सड़कों पे होने वाली मौतों की दर पे। पंजाब में 78% लोग सड़कों पे मारे जाते हैं, अगर 100 एक्सीडेंट होते हैं तो 78% लोग मारे जाते हैं। आज ज़रूरत है कि पंजाब में ड्राइविंग टेस्ट जो है उसको स्ट्रिंजेंट किया जाए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करके नई टेक्नोलॉजी लाई जाए। 32 ट्रैक हैं, 32 ट्रैकों के ऊपर आप ऐसी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो ना, उसमें ड्राइविंग टेस्ट कोई दे रहा है, लाइसेंस किसको इशू हो रहा है, कोई कनाडा बैठा है लाइसेंस उसको यहाँ से इशू होकर जा रहा है, ये अमृतसर की रियल घटना है। तो इसलिए मेरी पंजाब सरकार से यह दरखास्त है कि ड्राइविंग इज रियल कंसर्न, ड्राइविंग की वजह से ही 80% हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। अगर आप गिव ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव नॉट टू किल, प्लीज़ हाथ जोड़ के आपके रिक्वेस्ट है कि 7 लाख टेस्ट करते हो, 210 करोड़ के आसपास आप रेवेन्यू कमाते हो और सभी को लाइसेंस नहीं जा रहे हो, ये लाइसेंस छोले बांटने की प्रक्रिया नहीं है, लाइसेंस गाड़ी के ऊपर चलानी है। एंड आप देखोगे कि मास कैजुअल्टीज हो रही हैं, 20-25 लोग मारे जा रहे हैं, 40-50-100 गाड़ियाँ आपस में भिड़ रही हैं, खन्ना में बड़ी हैं फोग की वजह से। इसलिए लोग बिहार यूपी से पंजाब में आ रहे हैं कि लाइसेंस ले लो, पंजाब में लाइसेंस मिलना सबसे इजी है, ABCD काउंट करना डिफिकल्ट है, लेकिन पंजाब में लाइसेंस लेना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना इजी है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइविंग टेस्ट है उसको स्ट्रिंजेंट करने के लिए नई टेक्नोलॉजी लेके आई है, जिसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी हो, ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो, वीडियो एनालिटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ताकि उसी को लाइसेंस मिले जो गाड़ी चलाने के काबिल है, ना कि उसको मिले जो लोगों को सड़कों के ऊपर मारेगा। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।